नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो वी न्यूज़। वक्त हो गया है सुबह की ताजा खबरों का। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। राष्ट्र के नाम संबोधन, मोदी का वादा, जैसे ही हालत अच्छे हुए जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य दोबारा बन जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश को संबोधन किया। पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को देश को उस वक्त संबोधित किया था जब भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण करते हुए एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान की ओर से आपाधापी में उठाए कदमों को भारत सरकार ने संयमित प्रक्रिया दी है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की ओर से राजनयिक संबंध खत्म करने के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा है। भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने फैसले पर दोबारा विचार करे जिससे राजनयिक बातचीत का जरिया बन सके। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही ऐतिहासिक सुनवाई में एक नया मोड़ जुड़ा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले की सुनवाई सप्ताह में 5 दिन होगी। आमतौर पर इस तरह के पुराने और विस्तृत सुनवाई की जरूरत वाले मामले मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को ही सुने जाते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को सोमवार और शुक्रवार को भी सुना जाएगा। ऐसे में जल्दी फैसले की उम्मीद बढ़ जाएगी। कल सोफिया में एनएसए अजीज डोभाल के कश्मीरियों के साथ मेलजोल पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि पैसे देकर के किसी को भी खड़ा किया जा सकता है। इस बयान पर अब विवाद हो गया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस पर आपत्ति जताई गई है कि वहीं इसके बाद आज श्रीनगर पहुंचे गुलाम नबी आजाद को प्रशासन ने एयरपोर्ट में बैरंग लौटा दिया है। ट्रैफिक पुलिस खिलाएगी पिज्जा, बर्गर और दिखाएगी मूवी। मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में अब यातायात नियमों का पालन करने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों को पिज्जा बर्गर खिलाएगी और साथ ही थिएटर में मूवी भी दिखाएगी। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा वाली धारा 370 को हटाए जाने के बाद भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसले के बाद अब हिंदू विश्व परिषद और संत समाज एक विशेष तैयारी कर रहा है। वह जम्मू कश्मीर में तोड़े गए मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की तैयारी में लगा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और संत समिति के मुताबिक 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में 435 मंदिर तोड़े गए थे और अब सरकार और प्रशासन की अनुमति लेकर के मंदिरों को फिर से जीर्णोद्धार के काम शुरू कर दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी अमित शाह के वार से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय फिल्मों पर लगा दिया बैन। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की विशेष सूचना सलाहकार फिरदौस आसिक अवाना ने किसी भी भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग पाकिस्तान में नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि भारतीय परंपरा को दिखाने वाले किसी भी तरह के कॉन्टेंट पर रोक लगाई गई है। ऑनलाइन रेल टिकट पर सफर करने वाले यात्रियों का खर्च थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि रेलवे ऑनलाइन टिकट पर सर्विसेज चार्ज फिर से लगाने की तैयारी में है जिसके बाद टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तान के अड़ंगे के बाद भारतीय इंजन के साथ समझौता एक्सप्रेस लौटी अटारी बॉर्डर। पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में अड़ंगा लगा दिया है। उसने कहा है कि वह अपना ड्राइवर नहीं भेजेगा। इसका असर भारत आने वाले और यहां से जाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। हालांकि भारत ने इस समस्या को हल करने के लिए ट्रेन और इंजन भेजने का फैसला लिया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख और प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर में हालात होने लगे हैं सामान्य। सांबा और उधमपुर में खोले जाएंगे स्कूल। सांबा प्रशासन ने आदेश जारी करके कहा है कि शुक्रवार से जिले में सभी स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। उधमपुर के लिए भी ऐसे ही आदेश जारी किए गए हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा बुलेटिन में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 2 से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब यह होता है कि अब आप एक्शन में आ जाइए। मौसम विभाग के मुताबिक 7 अगस्त तक भारत में 28% ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि 1 जून से शुरू हुई मानसून सीजन में अब तक भारत में 5% कम बारिश हुई है। सोना अपने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और 38,000 के पार हो गया है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 550 रुपए के उछाल के साथ 38,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 6 सालों में पहली बार $1,500 प्रति औंस के स्तर को लांघ गया है। वहीं घरेलू बाजार में चांदी भी 44,000 रुपए तक चली गई है। केजरीवाल ने की घोषणा, दिल्ली में फ्री वाईफाई से 15 GB डाटा मिलेगा फ्री। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में अब 4,000 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। अप्रैल माह में अब तक ऑटो सेक्टर में करीबन 3.5 लाख लोगों को नौकरियां जा चुकी है। इसे देखते हुए ऑटो सेक्टर के दिग्गजों ने GST में कटौती करते हुए कई तरह के प्रोत्साहन पैकेज देने की मांग की है। विजय माल्या ने फिर लगाई गुहार, बैंकों का पूरा कर्ज चुकाने को तैयार। बैंकों के करीबन 9,000 करोड़ रुपए के लोन न चुकाने, जालसाजी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ब्रिटेन में मुकदमे का सामना कर रहे विजय माल्या ने ट्वीट करके यह ऑफर की जानकारी दी है। विजय माल्या एक बार पहले भी ऐसी पेशकश कर चुका है।
व्हाट्सएप में आ सकता है इंस्टाग्राम वाला फीचर। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम जैसा एक फीचर लाने की तैयारी कर रहा है और यह जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी तो संसद में लद्दाख के सांसद जमयान शेरिंग ने दमदार भाषण दिया और बिल का विरोध करने वालों की बोलती बंद कर दी।